नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम संस्कृत का व्याकरण भाग करेंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में लिंग के मैंने परिभाषा बताई थी आपको और लिंग के कितने भेद हैं वो बताए थे। ठीक है, तो आज जो है हम पहले वीडियो अपनी बनाने से पहले जो है बताने से पहले मैं तुम्हें पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद भी है कि आप सब बच्चों ने संस्कृत में जो है लिंग किसे कहते हैं ये अच्छे से याद कर लिया होगा। लेकिन फिर भी जो है एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। उत्तर है कि जिससे किसी पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोहन पुरुष है, लीला स्त्री है, इत्यादि। ठीक है, इसमें फिर दूसरा प्रश्न हमने था कि संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं। संस्कृत में लिंग के तीन भेद हैं। प्रश्न, संस्कृत में तीन भेद कौन कौन से हैं। जैसे संस्कृत में तीन भेद इस प्रकार से हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ कि हमारी जो हिंदी जो है, हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। लेकिन संस्कृत में जो है वो तीन लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो हमने जो है कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने जो है पुल्लिंग की परिभाषा याद हमने की थी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो या पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, छात्रः, रामः, देवः, विष्णुः। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष है, पुरुष जाति का पता चल रहा है इससे। ठीक है ना, आज जो है हम इससे आगे करेंगे दूसरा भाग इसका, कि दूसरा क्या था प्रश्न आता है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, है ना। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। उत्तर है संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो या पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, छात्रा, नदी, सीता इत्यादि। ठीक है, क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो या पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, छात्रा, नदी, सीता इत्यादि। हो गया क्लियर। अब तीसरा इसमें कौन सा लिंग रह गया, नपुंसकलिंग। प्रश्न आता है नेक्स्ट क्या है, नपुंसकलिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं।
ठीक है। अब इसमें उत्तर है, उत्तर क्या है, जो ना स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हो और ना ही पुलिंग हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे जैसे क्या आएगा, पत्रम, पत्रम यानी कि पत्ता, पत्रम, पुष्पम, पुस्तकम, पत्रम, पुष्पम, पुस्तकम, कंदुकम इत्यादि। ठीक है, अब फिर से देख लिए, नपुंसकलिंग किसे कहते हैं, जो ना स्त्रीलिंग हो और ना ही पुल्लिंग हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे पत्रम पत्ता यानी कि पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब, कंदुकम गेंद इत्यादि। इत्यादि मीन्स और भी ऐसे। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ों का हमें पता चल गया कि स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, और नपुंसकलिंग में जो है वो किसका होता है, जो ना स्त्री है ना पुरुष है, उसको हम तीसरे, उसको लिंग कौन सा बोलते हैं, नपुंसकलिंग, जैसे कि पुस्तक, फूल, गेंद इत्यादि, है ना। तो यहाँ पर आपने बच्चों, हमने ये देखा कि आपने इसमें हमें जो है आपने सीखा कि हमने जो है लिंग कितने तरह के संस्कृत में मिलते हैं, तीन तरह के, और हिंदी में कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। हिंदी में होते एक स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग यानी कि पोषी जाति का बोलता है, लेकिन संस्कृत में तीन है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग जो है वो न स्त्री है न पुरुष है जाति का बोध होता है, बल्कि एक तीसरा ही हमें जिसका ज्ञान होता है उसको कहते हैं नपुंसकलिंग, जैसे कि पत्ता, फल, फूल, गेंद आदि, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि इन तीनों को जब हमने विभाजित किया है, ये आपके बार बार जो है संस्कृत में लिंग का बहुत महत्व आता है, ठीक है ना। जगह जगह जो है लिंग का हमें पता चलता है, जब हम वाक्य बनाते हैं तब भी हमें लिंग का प्रयोग करना पड़ता है, और जब हम जो कि हम जो है विभक्ति लिख रहे हैं उसमें भी हमें लिंग का पता होना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग में है विभक्ति, या जो है ये पुल्लिंग में है, ये नपुंसकलिंग में है, तो इस चीज़ का हमें जो है ध्यान होना चाहिए। तो आप इन बच्चों आज जो है इस तीनों को आपने सबसे पहले क्या याद करना है कि लिंग किसे कहते हैं, फिर संस्कृत में लिंग कितनी तरह के होते हैं, हिंदी में कितनी तरह के होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं, और संस्कृत में अगर तीन होते हैं तो पुल्लिंग को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग को क्या कहा जाता है, और नपुंसकलिंग को क्या कहा जाता है। स्त्री पुल्लिंग में जैसे हमने बताया था कि पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे छात्र, राम, बालक, देव आदि, है ना। और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध रहे नदी, छात्रा, सीता, लक्ष्मी, सुंदरता, मती, ये सब जो है स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग में जो ना स्त्री है न पुरुष है, जैसे कि पुस्तक, पत्ता,
फूल, फल, भोजन, गेंद आदि। तो बच्चों आज आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और इसका अभ्यास करना है कि आपको पता रहे कि ये स्त्रीलिंग लिंग है, ये पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो लिंग आपने अच्छे से याद करने और लिखकर इनका अभ्यास करना है। तो कल फिर मिलते हैं, नमस्कार बच्चों।